Okay, students, good morning. Today we are going to solve exercise 5.3 of chapter 5, class 8 maths. Chapter's name is data handling, and in this exercise we are going to solve questions based on probability. And in last class I told you about basic information about probability, what is probability and how can we find probability in our real life events. सो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस की बात की थी जहाँ पे हम किसी चीज़ के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे. जैसे मैंने आपसे पूछा था कि बताइए जो एक वीक है, एक वीक में 8 डेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 डेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. जीरो परसेंट आप कह सकते हैं या जीरो कह सकते हैं. और ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इवेंट्स इवेंट्स विद विद जीरो प्रोबेबिलिटी. जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, और ओके, सो हियर यू सी सेकंड मैंने आपको बताया था कि एक संडे के बाद मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. 100% इवेंट विद 100% प्रोबेबिलिटी. 100% प्रोबेबिलिटी, जो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है जिसके होने की, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट. ठीक है, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, जो होंगे ही होंगे. जैसे सन ईस्ट से निकलेगा ही निकलेगा. हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हो मैम? पॉसिबल सकते हैं ना, जैसे आप सर्टेन. मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई, आप क्या कह रहे हैं मैम? वो ये बोला मैम कितने इवेंट कह सकते हैं. पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट का तो होगा जैसे जो हो सकता है. जैसे अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड्स आना कैसा इवेंट होगा? हेड्स आना पॉसिबल है, तो वो होगा आपका पॉसिबल इवेंट. लेकिन जो होगा ही होगा, 100% वही होगा, तो उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट. आई बात समझ में बेटा? ठीक है, चलो अभी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं. और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी. प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल का मतलब जो हमें चाहिए. ठीक है, ऐसे आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था. मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन पे टोटल जो इवेंट, टोटल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं कॉइन टॉस करने पर? मैम हेड एंड टेल. हेड आएगा और या फिर टेल आएगा, यानी टोटल आउटकम्स जो है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास 2. ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, जो कॉइन हमने टॉस किया तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हेड कितने हैं आपके पास, जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं आपके पास? 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स हम लिखेंगे 2 अपॉन 2. ये हो जाएगी हेड्स की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. ओके, सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, हाउ मच विल इट बी? ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको लिस्ट करने हैं आउटकम्स. आपको आउटकम्स बताने हैं, टोटल आउटकम्स बताने हैं, क्या क्या मिल सकता है आपको. तो अगर मान लीजिए आपके पास ये स्पिनिंग व्हील है, आपने देखा ये स्पिनिंग व्हील रियल लाइफ में, इस तरह का स्पिनिंग व्हील देखा है आपने? यस मैम. कहाँ देखा है? यस मैम. कहाँ देखा है?
मैंने मैम यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, मैम उसमें वो दिखा रहा था अगर आप मैम व्हील को स्पिन करोगे तो आपको डायमंड्स मिलेंगे। मैम मैंने ऐप इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, बट मैम डायमंड नहीं मिले। मैम गेम्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। और अच्छा, तो इसके हम आपको ये दिख रहा होगा स्पिनिंग व्हील है, तो इसमें आपको बताना है कि आपको क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लेटर्स कुछ लिखे हुए हैं स्पिनिंग व्हील पे, तो आप मुझे बताएंगे अब कि आपको इस स्पिनिंग व्हील पे क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, बताइए। क्या क्या आउटकम मिल सकता है? ये जो एरो है ये किस किस चीज पर रुक सकता है, किस किस लेटर पर रुक सकता है? मैम ए बी सी डी, मैम किसी पर भी, एंड डी, ठीक है। ए देखो दो बार यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दो बार ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसे इसके टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने होंगे? तो यहाँ पे डबल ए है बेसिकली, दो बार ए है, हालांकि ये लेटर ए की है लेकिन टोटल आउटकम्स यहाँ पर फाइव होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चलो इसे एक्सटेंड कर देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ इस स्पिनिंग व्हील में बी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो बी लेटर है इस पर एरो के रूप में, ठीक है। ऐसे ही अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको बोला है आगे कि अगर दो कॉइन्स को आप एक साथ टॉस करो, इमेजिन कीजिए मैच होता है, मैच के शुरू में हम लोग कॉइन टॉस करते हैं ना ये देखने के लिए कि कौन पहले बैटिंग करेगा, है ना। तो मान लीजिए वहां पे दो कॉइन्स टॉस किए, अगर उन्होंने एक की बजाय दो कॉइन्स एक साथ टॉस किए, तो उन्हें क्या क्या मिल सकता है? टोटल आउटकम्स बताने हैं आपको। या तो उन्हें दोनों हेड्स मिलेंगे, दोनों कॉइन पे हेड्स मिलेंगे, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही हूँ, नहीं नहीं सुनो, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही हूँ मैं, टोटल आउटकम्स पूछ रही हूँ आपसे, टोटल क्या क्या मिल सकता है उन्हें, पॉसिबल आउटकम्स। हेड एंड या तो डबल जीरो हेड एंड टेल, या फिर क्या हो सकता है हेड एंड टेल हो सकता है ना, एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल्स आ जाए फिर, या और इसके अलावा दोनों पे टेल्स आ सकता है, वेरी गुड। और दोनों पे टेल्स मैम पहले वाले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड्स आ जाए, ये भी हो सकता है। यानी कि आपको आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल फोर, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बोलो। नो मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जिसमें आपसे लिस्ट आउटकम्स पूछे थे, टोटल आउटकम्स पूछे थे। ये हमने क्या निकाला? टोटल आउटकम्स, यानी जो नीचे लिखते हैं ना फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में, वो हमने फाइंड आउट किया है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हेन अ डाई, कौन बताएगा मुझे डाई क्या होती है? ये मैंने क्लास में पहले आपको बताया, जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में मैक्स नंबर ऑफ डाई, जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में हम यूज करते हैं ना ये वाली, एक आपने देखा होगा yes, मैम क्यूब होता है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, मैम क्यूब होता है अभी, है ना, जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, देखा है सबने ये वाला क्यूब? यस, है ना। तो ये इसका देखो एक बार ध्यान रखना बेटा, आपको कई जगह डाइस लिखा हुआ मिलेगा। डाइस हम तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा ऐसे क्यूब्स होते हैं, दो हो मान लो, तो हम उसके उनके लिए क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे उनके लिए डाइस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक होगा तो डाई, यानी डाई सिंगुलर है और डाइस प्लूरल वर्ड है, क्लियर है, ठीक है। यस मैम, जैसे रेडियाई, रेडियस सिंगुलर है और रेडियाई प्लूरल है, तो ऐसे ये मैथ्स के सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स हैं। डाई माने एक क्यूब और डाइस माने दो क्यूब्स, ओके। तो जब इन्होंने कहा कि जब एक डाई को थ्रो किया गया, लूडो के डाई को थ्रो किया गया, तो आप बताइए लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के आने के कितने आउटकम्स हो सकते हैं आपके पास, कि ऐसे कितने आउटकम्स मिल सकते हैं आपको कि आपको प्राइम नंबर मिले? तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, डाइस जो होता है हम एक डाइस बना लेते हैं, डाई बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक डाई,
ठीक है, कुछ इस तरह से। मान लो यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ, यहाँ वन है, यहाँ पीछे सिक्स है, ठीक है, यहाँ पे टू है, नीचे फाइव है, ऐसे यहाँ अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, इसके सिक्स फेसेस पे सिक्स नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर में आने का बताना कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं कि आपको एक प्राइम नंबर मिले, तो आप बताइए मुझे जल्दी से। मैम शिवा ने, शिवा मैम फोर नहीं बोला बेटा, फोर बोला। अच्छा बोला, मुझे तो फोर ही सुनाई दिया था, किसी बच्चे ने बोला था। अगर वो बच्चा, अगर वो बच्चा वन को प्राइम नंबर मान रहा है तो वन प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। जो भी स्टूडेंट था जिसने फोर कहा था, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, यू विल नॉट काउंट दिस एज अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ स्पेशल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने आउटकम्स हैं जब आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे, तो कौन कौन से आउटकम्स मिलेंगे आपको। अगला देखिए, अच्छा ये बी पार्ट था इसी का, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड सेक्शन का ए पार्ट देख लेते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन फाइव, एक नंबर ग्रेटर देन फाइव आपको मिलेंगे, ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास। और ये वन सिक्स, ठीक है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, एक मिनट, कुछ बच्चे क्या बता रहे हैं, इनका नंबर बता रहे हैं आपसे। देखो यहाँ क्या बोला, इन्होंने बोला है लिस्ट द आउटकम्स, इन्होंने ये नहीं बोला नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ। अगर इन्होंने पूछा होता कि कितने आउटकम्स आपको मिलेंगे तो आप यहाँ पे फोर लिख देते ओनली, लेकिन आपसे इन्होंने पूरे आउटकम्स पूछे हैं, आपको सारे आउटकम्स बताने हैं क्या क्या मिल सकता है आपको, तो यहाँ हम लिखेंगे सारे आउटकम्स नंबर में। तो वन टू थ्री एंड फोर, ये सारे नंबर्स हैं जो फाइव से बड़े नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जरा, क्या यहाँ पर हम फाइव लिख सकते हैं? नो मैम। क्यों नहीं लिख सकते? नो मैम, नो मैम, मैम लिख सकते हैं, क्योंकि मैम क्योंकि मैम फाइव से छोटे नंबर पूछ रहे हैं, मैम उससे बड़े पूछे हैं। हाँ, नॉट ग्रेटर देन फाइव, फाइव से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या फाइव हो सकता है? यस मैम, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम इन्होंने एक्सप्लेन ही यहाँ पे रीजन ही नहीं मतलब बताया ही नहीं है कि फाइव इक्वल टू होगा या नहीं होगा, बस ये बोला है नॉट ग्रेटर, फाइव से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फाइव से बड़े नहीं होंगे ऐसे पांच नंबर्स हमारे पास है, ठीक है। अगर यहाँ मेंशन कर देता है ये नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ये बोल देता है, तो आप फाइव को कंसिडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर वन। ये जो क्वेश्चन नंबर वन था आपका ए पार्ट, इसमें आपसे बोला है कि पॉइंटर के डी पर रुकने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो चलिए, फॉर्मूला होता है हमारा, आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमें चाहिए वो चीजें कितनी है, अपॉन में टोटल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। मैम 1/5 हमें, हाँ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पॉइंटर के डी पर रुकने की, डी पर रुकने की, तो कौन सा इवेंट हमें चाहिए, डी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसे इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डी, सो इट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, डी कितने हमारे पास, वन अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, फाइव, तो वन बाय फाइव। अच्छा अगर मैं इसे थोड़ा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दूं, आपसे पूछूं कि बताओ परसेंटेज में कितनी हो जाएगी ये प्रोबेबिलिटी, तो जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन होता है उसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, 20% चांस है
इस पॉइंटर के डी पर रुकने के। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, दिस वाज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का बी पार्ट अगर हम करें, ये हम क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री का बी पार्ट अगर हम सॉल्व करें, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 52 कार्ड्स हैं। आपने कभी कार्ड्स देखे हैं, जो कार्ड्स होते हैं? यस मैम, उनमें 52 देखे हैं मैम। देखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यस मैम, मेरे मैम हमारे घर पे तो है, खेले भी है। अच्छा, कौन सा गेम खेला है आपने उसमें? बस मैम आता, हम खेलना आता नहीं है मैम, कुछ भी खेलते रहते हैं, उनसे फेंकते रहते हैं। मैम ऊनो मैम हमारे यहाँ पे एक गेम खेलते हैं मैम, उनसे मैम चटाई बोलते हैं, उनसे मैम सारे ना उल्टे करके रख देते हैं, फिर मैम खोलते हैं एक एक करके, जितने भी सारे नंबर सेम हो जाएंगे मैम उन वो सारे उसी के हो जाते हैं। ये गेम खेला है मैम मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, एक मिनट का टाइम दीजिएगा जरा। ये देखिए, ये हैं आपके 52 कार्ड्स, ये इस तरह से होते हैं। इसे हम कहते हैं, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये क्लब का साइन होता है, ये क्लब है, इसको हिंदी में चिड़ी भी चिड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे क्लब्स कहते हैं। मैम इसके नीचे वाली जो ईट, नीचे वाले डायमंड्स है मैम, दिल और उसके नीचे वाले को पा अच्छा, ये डायमंड्स है और ये जो है ये है हार्ट्स। ठीक है, इसको आप जो बोलते हो हिंदी में क्या बोलते हो आप इसे? दिल बोलते हो। दिल। उसके बाद में नीचे स्पेड्स हैं, ये जो है ब्लैक कलर का स्पेड है, यानी कि हम इसको पान बोलते हैं। कार्ड है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए जो आपके कार्ड हैं, क्या कार्ड के कलर्स के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, ये किस तरीके से डिवाइडेड है कलर्स में? ब्लैक कलर के हैं और 26 कार्ड्स रेड कलर के हैं। ठीक है, 26 डायमंड्स और हार्ट्स के जो कार्ड्स होते हैं 26, ये सारे के सारे रेड कलर के हैं, और क्लब्स एंड स्पेड्स के जो 26 कार्ड्स हैं वो सब ब्लैक कलर के हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए, एस अगर आपसे पूछा जाए, जिसे हम हिंदी में इक्का कहते हैं, वो कितने एस हैं आपके पास? फोर एसेज हैं, दो ब्लैक एसेज हैं क्लब्स क्लब और स्पेड्स के, और दो आपके पास डायमंड्स और हार्ट्स के एस हैं। ठीक है, रेड रेड एसेज हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, नंबर्स जो आपके पास हैं वो 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड्स हैं। ठीक है, जिन पे नंबर लिखा होता है। अब 10 के बाद में 11, 12, 13 ना हो करके जैक मिलेगा आपको, एक एक क्वीन मिलेगी और एक किंग मिलेगी। हर हर जो आपके पास सूट्स हैं इनको सूट्स बोलते हैं। ठीक है, 4 सूट्स होते हैं, उनमें हर एक में आपको एक जैक मिलेगा, एक क्वीन मिलेगी, एक किंग मिलेगा। ठीक है, यानी आपके पास, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ब्लैक, नहीं मैं आपसे अगर पूछूं, हाँ यही पूछती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ब्लैक क्वीन कितनी है? टू क्वीन ब्लैक। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ रेड किंग कितने हैं? टू रेड किंग्स हैं। वेरी गुड, तो यानी ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये अच्छे से समझ में आ गया कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन? यस मैम, जो पहले था ना ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, चलो अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एक अच्छे से शफल्ड डेक में 52 कार्ड्स जो होते हैं उसमें एस के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कलर मेंशन नहीं किया है, तो आप सारे के सारे एसेस जो हैं, जितने भी एसेस होते हैं सभी को कंसीडर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम देखिए प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? एस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज, कितने एस है हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स में? 54। ये देखिए मैंने दिखाया था अभी आपको, 54। ये रहे एसेस, 4 एसेस है हमारे पास। कलर हमें नहीं बताया गया, तो हम सारे एसेस को कंसिडर कर रहे हैं अपॉन में टोटल कार्ड्स 52। अब आप इसे लोएस्ट टर्म में सॉल्व करके लिख सकते हो, 1/13। वेरी गुड, 1/13। ये आपकी हो जाएगी एस के आने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया सभी बच्चों को अच्छे से? यस मैम। वेरी गुड।
चलो सी पार्ट में देखते हैं। अब सी पार्ट में क्या बोला है हमें, सी पार्ट में हमें कहा है कि ये देखिए यहाँ पे कुछ एप्पल्स एप्पल्स यहाँ पे हैं रेड कलर के, कुछ ग्रीन एप्पल्स आपने देखे होंगे, ग्रीन भी होते हैं एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स yes, भी होते हैं, रेड एप्पल्स भी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ग्रीन, आपको पता है ना एप्पल्स बहुत हेल्दी होते हैं खाने के लिए। यस मैम, है ना, एप्पल्स एप्पल्स हमारी किसके लिए अच्छे होते हैं, एप्पल से क्या मिलता है हमें, कुछ किसी को मालूम है? आयरन, आयरन, आयरन का बहुत रिच सोर्स है एप्पल, ठीक है। और ग्रीन एप्पल्स भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए, रेड एप्पल्स तो आपने देखा ही है। अच्छा मुझे बता सकता है कोई कि इंडिया में कौन सी जगह है जो एप्पल्स के लिए बहुत फेमस है? जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा हिमाचल, वेरी गुड, हिमाचल में शिमला जो जगह है वहाँ के वो एप्पल्स के लिए बहुत फेमस है, बहुत सुंदर बड़े बड़े रेड रेड एप्पल्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। मैम हाँ जी मैम, वहाँ पर ठंड होती है? हाँ ठंड तो होती है मैम। हाँ मैम मेरा एक सवाल है जी, जैसे मैम न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, अगर वो एप्पल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते तो मैम उन्हें ग्रेविटी का पता कैसे चलता? किसी और पेड़ के नीचे बैठते, किसी और कोई और फ्रूट उनके ऊपर गिरता, ठीक है, या किसी मतलब जब इन्वेंशन होनी होती है, डिस्कवरी किसी चीज की होनी, इन्वेंशन तो नहीं कहेंगे डिस्कवरी कहेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज प्रेजेंट है। तो अच्छा किसी कोई मुझे बता सकता है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक बच्चा बेटा, एक कोई एक बच्चा नहीं समझ में आता ऐसे। मैम इन्वेंशन मैं होता हूँ खोजना, हाँ कोई नई चीज खोजना है ना, और डिस्कवरी कहते हैं जो चीज ऑलरेडी है प्रेजेंट, जो चीज ऑलरेडी है हाँ उसको ढूंढना। चलो यहाँ पे देखिए आपको रेड एप्पल के निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आपके पास यहाँ पे हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो हमें जो चाहिए रेड एप्पल वो कितने हैं मैम? 4/7। और टोटल एप्पल्स कितने हैं? अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रीन एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/7। ठीक है, तो अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको पूछा कि रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी है, आपने बताया 4/7। मैंने पूछा ग्रीन एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपने बताया 3/7। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इनके अलावा तो कुछ और है नहीं, रेड एप्पल है और ग्रीन एप्पल है, तो क्या हमें टोटल आउटकम्स मिलने चाहिए? यस यस मैम। तो 4+3 = 7, ये टोटल आउटकम है, यानी ये है कंप्लीट प्रोबेबिलिटी सारे इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी, और वो है इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। क्योंकि अगर आपसे मैंने पूछा ग्रीन एप्पल, तो आप इसको ये भी कह सकते हो नॉट रेड एप्पल। भाई अगर नॉट रेड एप्पल मैंने कहा, दैट मींस मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं ग्रीन एप्पल की बात कर रही हूँ। तो नॉट रेड एप्पल आप कैसे निकाल सकते हो? आप 1 में से 4/7 को माइनस करके भी निकाल सकते हो नॉट रेड एप्पल, क्योंकि 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, और 1 में से आपने किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी जब माइनस की तो आपको उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्या ये चीज सबको समझ में आई? yes, यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से शो करते हैं, उनका सम होता है 1। हालांकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश आपको की है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, यहाँ तक का काम सबको समझ में आया? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल। 4-10 अलग अलग स्लिप्स है, आप लोग गेम्स खेलते हो ना, स्लिप्स पे नंबर लिखकर गेम्स खेलते हो, पेपर की स्लिप्स बनाते हो, है ना, उसमें ऐसी 10 स्लिप्स हैं, 10 स्लिप्स हैं जिनपे अलग अलग नंबर्स लिखे हैं 1 से लेके 10 तक, उनको एक बॉक्स में रखा और अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है, और रैंडमली बिना देखे उस बॉक्स में से एक स्लिप निकाली। तो आप बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी नंबर 6 के आने की? 1/10, वेरी गुड। एक 6 आपके पास है और टोटल नंबर्स कितने हैं? 10 है,
अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मैम 5 upon 10, 5 upon 1 by 2, 10, 1 by 2, वेरी गुड। चलो अभी यहाँ नेक्स्ट बताइए मुझे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। मैम 4 upon 10, 4 upon 10, नंबर ग्रेटर देन 6। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज करके दिखाऊंगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो। कितना आपने बताया 4 upon 10, 10, ठीक है, इसको आप सॉल्व मत कीजिए, इसको अभी यहीं रहने दीजिए। अब मैंने एक चीज़ आपको आपने क्या चीज़ नोटिस की, जो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इसमें तीन बातें बोली हैं आपको कि जैसे मान लो यहाँ 6 है, एक तो आपको 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और एक आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 6 से छोटे नंबर्स की और एक आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 6 से बड़े नंबर की। इसकी प्रोबेबिलिटी निकली थी 1 by 10, छोटे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकली थी 5 by 10, बड़े नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकली 4 by 10। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी मिलनी चाहिए? 10 upon 10। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, इज इट करेक्ट मैम? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या कहा है, गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, एक एक डिजिट का नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो डिजिट समझ रहे हो ना? 9 by 10, वेरी गुड, यस 9 by 10। देखो 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स है वो सब एक डिजिट के नंबर है, वन डिजिट नंबर है, लेकिन 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। सो हम 10 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं वन डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो इट विल बी 9 upon 10। अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में, आज टाइम ओवर हो गया है क्लास का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो गेम मैंने सेलेक्ट करके रखा था आपके लिए ये गेम हम खेलेंगे, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो चैप्टर है हमारा पूरा, उसको हम इस गेम के थ्रू मैं आपका टेस्ट भी लूंगी एक तरीके से, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये सारे गेम्स हम लोग खेलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा मज़े आएंगे, यस बिल्कुल, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम, ओके चलो, क्लास में, बाय बाय।